Good morning, guys. How are you all? Fine? Yes, I am also fine. Okay, my dear babies. Today we are moving ahead with our new story. That is the apple tree. Yes, that is the apple tree. Okay, last time we had done a story named The Moon God and the King of Elephants, right? वो story सबको समझ में आ गई थी. And the first story what we had done once, the very first story, that was the musical donkey, right? So both the stories you are well known about, okay? So today we are moving ahead with our third new story, that is the apple tree. Okay, so my dear babies, let's start the new story. Long long ago, many birds and ants lived in a big apple tree. एक बार क्या होता है, एक जगह पे बहुत big apple tree होता है, ठीक है? Apples पता है ना क्या होता है? Tree भी पता है क्या होता है? एक ऐसा tree होता है जिसमें बहुत सारे apple लगे होते हैं, बहुत big tree होता है. उस पे ना बहुत सारे birds रहते हैं, बहुत सारे ants रहते हैं, ठीक है? एक बार ही क्या होता है, वहाँ पे ना उस tree के पास एक woodcutter आता है. वुडकटर कौन होता है? वुडकटर होता है जो वुड को कट करता है, लकड़ियों को काटता है. अब जो ट्री होती है उसमें बहुत सारी वुड होती है ना नीचे, तो उसको कट करने आता है वुडकटर, ठीक है? तो द बर्ड्स एंड द एंट्स टोल्ड द वुडकटर, प्लीज डू नॉट कट द ट्री, दिस ट्री इज आवर होम. जो अब देखो वुडकटर, अब कोई आपका हाउस अगर कट करने आएगा तो आपको चिंता होगी ना, आप क्या कहोगे? प्लीज डू नॉट कट माई होम, है ना? ऐसे ही जो उस ट्री पे, बिग ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारी आंट्स रहते थे, उन्होंने उस वुडकटर को क्या कहा? प्लीज डू नॉट कट आर ट्री, दिस ट्रीज आर होम. हमारे होम को कट नहीं करो, ये ट्री हमारा होम है. जो आंट्स थी वो भी प्रे करने लग गई, जो बर्ड्स थे वो भी प्रे करने लग गए, उनसे रिक्वेस्ट करने लग गए कि हमारे ट्री को कट नहीं करो. तो जो वुड कटर होता है वो बहुत गुड मैन होता है, वो उनकी बात मान जाता है और वो ट्री को कट नहीं करता. तो जो बर्ड्स और आंट्स होती हैं वो उनको क्या कहती हैं? थैंक यू वुड कटर, थैंक यू वुड कटर. और वहां से वो उस ट्री से बहुत सारे एप्पल लेके चला जाता है. देखो यहाँ पे ट्रीज भी हैं, और सॉरी ट्री के नीचे आंट्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं, सब उसे थैंक यू बोल रही है क्योंकि उन्होंने उसका ट्री, उनका होम जो था वो कट नहीं किया, ठीक है? तो वो बहुत हैप्पी हो गए सब, है ना? तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलती है कि जब भी कोई हमारी हेल्प करता है या हमारे किसी काम आता है तो उसे हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? थैंक यू, ठीक है? उसे हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? थैंक यू, थैंक यू करके उनको हमेशा ग्रीट करना चाहिए. जब भी कोई आपकी हेल्प करता है या आपके काम आता है या जो आप कहते हो वो कर देता है, आपकी बात मान जाता है, तो उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए. जैसे कई बार पापा को आप कोई चीज़ लाने को बोलते हो, मम्मा को कोई चीज़ लाने को बोलते हो, तो मम्मा पापा तो फटाफट आपका काम कर देते हैं, है ना? तो उन्हें क्या बोलना है? थैंक यू मम्मा पापा, ओके, ठीक है? तो अब देखो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं. द स्टोरी नेम इज द एप्पल ट्री. बहुत टाइम पहले एक जगह पे एक बहुत बड़ा ट्री होता है, एप्पल ट्री होता है, उस पे बहुत सारे एप्पल लगे होते हैं. उस ट्री में बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे आंट्स रहते हैं. एक बारी उस ट्री को एक वुड कटर कट करने आता है, तो जो बर्ड्स होती हैं और आंट्स होती हैं वो क्या बोलती है? प्लीज डू नॉट कट आर ट्री, हमारा ट्री कट नहीं करो, दिस ट्रीज आर होम, ये हमारा होम है, ये हमारा घर है, इसे कट नहीं करो. तो वुड कटर जो होता है वो उनकी बात मान जाता है. एंड द आंट्स एंड द बर्ड्स वर वेरी हैप्पी टू हियर कि वो उनकी बात मान गया, और वो बहुत खुश हो जाते हैं और वुड कटर को क्या बोलते हैं? थैंक यू वुड कटर, ठीक है? तो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? कि जब भी कोई आपकी हेल्प करता है या आपकी बात मान जाता है तो व्हाट शुड यू से टू देम? थैंक यू, ओके. थैंक यू इज अ वेरी नाइस वर्ड, इसे बहुत सारा यूज किया करो. जब भी कोई आपकी हेल्प करता है उसे क्या बोलोगे? थैंक यू, ठीक है? और ऐसे स्माइल करके बोलते हैं थैंक यू, ओके, ठीक है? सो आप ये स्टोरी एक बार पढ़ लेना, इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना,
और अपने माइंड में हमेशा रखना, ठीक है? सो वी मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, बाय।